नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कहना चाहती हूँ। जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, 1000 सब्सक्राइबर्स लगभग है मेरे, वो सारे मेरे यूट्यूब फैमिली हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी दिवाली आपको और आपके परिवार को। आप सभी अच्छे से इंजॉय कर रही है और आपके यहाँ पे माँ लक्ष्मी एकदम अच्छे से अपनी कृपा स्थिति बनाए रखे। और ये जो है पर्व हमारे देश का बहुत ही मतलब पवित्र कहें तो बहुत ही अच्छा पर्व है, एकदम इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, सभी चाहते हैं कि उनके घर में सुख संपत्ति धन समृद्धि मान सम्मान उन लोगों का बना रहे। तो इसलिए आप लोग मन से अच्छे से पूजा करिए। एक दिन पूजा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन बस सच्चे दिल से सच्चे मन से अच्छे से आप ईमानदारी से काम करिए, मेहनत से करिए, भगवान में विश्वास रखिए और ऐसे ही अपने काम को ईमानदारी से करते रहिए। मेहनत से फल तो एक ना एक दिन मिलना ही है, अच्छे कर्म के अच्छे फल मिलते हैं। तो चलिए हम लोग जो है फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इस साल के क्वेश्चन पेपर से थोड़ा इससे हेल्प मिलेगा इस साल के क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए अब अपने नॉर्मल आवाज़ में ही, जो मेरा नॉर्मल वॉइस है उसी में अब हम लोग ये पेपर जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले का आवाज़ सुन के आपको काफ़ी हंसी आई होगी, कोई बात नहीं, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो बस इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए था, ओके। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच सेल्स इन द ब्लड डोंट हैव अ न्यूक्लियस, यानी हमारे ब्लड में कौन सा ब्लड सेल्स ऐसा है, एराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और हमारे जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, तो उन सब में कौन सा ऐसा ब्लड सेल्स है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी एराइथ्रोसाइट, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें जो सी ऑप्शन है एराइथ्रोसाइट वो हमारा राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच कलर बिन इज़ यूज फॉर जनरल डिस्कार्ड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कौन सा कलर बिन का यूज होता है जो जनरल वेस्ट होते हैं, जैसे कि सूखे पेपर हो गए हैं, कोई भी नया हम लोग प्लास्टिक फाड़ रहे हैं, या फिर हम लोग जो चिप्स वगैरह के पैकेट हो गए हैं, कोई खाना खा रहे हैं, तो वो सब हम लोग किस डस्टबिन में फेंकेंगे, तो वो हम लोग इसमें ब्लैक बिन में फेंकेंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ब्लैक बिन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज आर, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पैथोजेंस। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, यानी रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, जैसे कोई इंसान जो है 60, 70, 80, 90 ऐसे जीता है, वैसे रेड ब्लड सेल्स का भी एक जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, तो वो है ए ऑप्शन राइट आंसर है, यानी 120 डेज। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी है। तो देखिए इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होइएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी की जो है वो लीवर है, और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन देखें तो वो लीवर है, और जो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी की वो है स्किन, ठीक है। आप खुद से इमेजिन करिए कि हमारा जो स्किन है वो लगभग पूरे बॉडी को कवर किया है, तो वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा है भी, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी की है स्किन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी पांच क्वेश्चन दिए गए हैं, पांच स्टेटमेंट हैं, उन पांचों में कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है ये बताना है। पहला क्वेश्चन है, लाइक डीएनए आरएनए इज आल्सो डबल स्टैंडर्ड, यानी डीएनए की तरह आरएनए भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, तो ये हमारा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये हमारा रॉन्ग है। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज केमिकल सब्सटेंस डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम, इंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनके पास कोई डक्ट नहीं होते, तो वो जो अपना केमिकल सब्सटेंस यानी हार्मोन जो सिक्रेट करते हैं वो डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है, ओके। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रिस्ट ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट, तो बॉल एंड सॉकेट के मेनली आप याद रखिए कि शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट होते हैं, और जितने भी ज्वाइंट हैं हमारे वो हमारे अलग अलग ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट में दो ही हैं, तो रिस्ट ज्वाइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये हमारे हो गए रॉन्ग स्टेटमेंट। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन इज कम्पोज ऑफ मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस,
तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा, वो भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारे इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं बोन के, वो मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के नहीं बने होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्स ऑफ हर्ट इज लोकेटेड एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, यानी हर्ट का ऊपर का पार्ट, ऊपर पोर्शन जो होता है ऊपर का, उसे हम लोग बेस कहते हैं, और नीचे का जो पोर्शन है उसे हम लोग एपेक्स कहते हैं, और ये कहाँ होता है, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास होता है। तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन है इंसुलिन इज गिवन बाय, तो इंसुलिन जो है वो सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस, ठीक, यानी कि हमारी स्किन के नीचे फैटी लेयर होते हैं उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबक्यूटेनियस में 45 डिग्री पे दिया जाता है। अब हमारा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक गैस इज यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन, यानी कौन सा गैस लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे लो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम, तो उसमें हमारा इथिलीन ऑक्साइड होता है, और इथिलीन ऑक्साइड का जो टेम्परेचर है वो 36 से 63 डिग्री, यानी 36 डिग्री सेल्सियस टू 63 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इथिलीन ऑक्साइड जो गैस है वो यूज होता है लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन के लिए। थर्ड क्वेश्चन है इसमें डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इज, तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो होता है वो डीएनए होता है, और डीएनए हमारा किस किस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फादर ऑफ एनाटमी, तो फादर ऑफ एनाटमी कौन है, एंड्रियाज वेसिलियस। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल, तो सेल के पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, यानी पांच क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से किसी चार क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और एक जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है सॉग, तो सॉग क्या होता है, तो ये एक तरह का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है हमारे बॉडी में, क्या होता है, एक तरह का मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, तो ब्लड का सर्कुलेशन करना हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में, ठीक है, टिश्यूज तक, तो वो अगर ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं करेगा हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक, यानी हार्ट, किडनी और भी वाइटल ऑर्गन्स से वहाँ तक, तो कैसे काम चलेगा। तो ये मेडिकल कंडीशन है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाता है सर्कुलेशन करने में, ठीक है, ब्लड सप्लाई करने में, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने में। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो उन टाइप्स में हमारा है हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, तो ये कुछ तरह के शॉक हैं, तो उसमें हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे। हाइपोवोलेमिक शॉक जो होते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है उसका जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली कम हो जाता है। ठीक है, किसी कारण से, ट्रामा हो गए, इंजरी हो गई, सर्जरी कारण, किसी कारण क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ये भी है, हमारा हर्ट जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, यानी कि इनफ ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, यानी जितना ज़रूरत है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जिसमें किडनी हो गया और भी पार्ट्स हो गए, तो उन सबको जितना ब्लड चाहिए उतना वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो हमारा कार्डियोजेनिक शॉक हुआ। थर्ड है सेप्टिक शॉक, तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसके चलते हमारा बीपी जो है अचानक से कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो ये हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते होता है। अब इसमें चौथा पॉइंट लिख दीजिएगा एनाफाइलेक्टिक शॉक, जिसमें क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता अच्छे से। अब हमारा न्यूरोजेनिक शॉक है, जिसमें नर्वस सिस्टम का फेलुअर है, यानी ब्लड वेजल्स जो हैं वो अपना काम करना बंद कर देंगे या फिर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए उतना ब्लड सप्लाई वो नहीं कर पाते हैं। अब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को हम लोग वैसोडाइलेटरी शॉक भी कहते हैं, इसमें ब्लड वेजल जो होते हैं वो अपना जो ओरिजिनल टोन है, यानी जिस स्पीड से वो ब्लड सप्लाई करते हैं सारे वाइटल ऑर्गन्स में, तो वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसमें कुछ साइन और सिम्टम भी आते हैं, जिसमें उन्हें ब्लड शुगर कम हो जाएगा,
कॉन्शियसनेस लेवल उनका नहीं रहेगा, नहीं वो बेहोश होने लगेंगे, चक्कर से आएगा, नौजिया वोमिटिंग लगेगी, और फिर उनका जो है पल्स जो है इरेगुलर रहेगा, इरेगुलर हार्ट बीट रहेगा, मतलब स्किन जो है चेंज हो जाएगी, थोड़ा उनको छींक वगैरह दर्द होगा शरीर में, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सब आप मेनली लिख सकते हैं शॉक में 5 नंबर में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है अच्छा सा, तो एनिमल सेल का अच्छा सा डायग्राम बना लीजिएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और फिर आप दिखा दीजिए कहाँ पे गॉल्गी अपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा लीजिएगा, लाइजोजोम्स, वैक्यूल्स, जो भी पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा डायग्राम, ऐसे लेबल डायग्राम बना दीजिए तो मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा सेल के बारे में लिख दीजिए कि सेल यूनिसेलुलर होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक आइडिया ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि अपन वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। जैसे एक सेल जो है वो खाना बनाएगा तो दूसरा उसको पचाएगा, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सबका अपना अपना काम है, लेकिन बैक्टीरिया बेचारा अकेला एक, वो उसके पास एक सेल है, सारा काम एक ही सेल को करना है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में भी बहुत होते हैं, कॉकस होते हैं, और फिर आपका रोड सेप्ड होते हैं, बैसिली होते हैं, स्पाइरल होते हैं, तो वो सब आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें लिख देना है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें लिखिएगा कि पहले समझिए रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी जिस रूट से हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं वो क्या है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम लोग दवा किस किस रूट से लेते हैं, या तो हम लोग इंजेक्शन लेंगे, या तो हम लोग ओरली खाएंगे, ये दो हम लोग जानते हैं, ठीक है। या तो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं नस में या मसल्स में, ठीक है, या स्किन में, या फिर हम लोग मुँह से दवा खाते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग जानते हैं। लेकिन बहुत सारे रूट हैं और भी, जिसमें हमारे सिस्टमिक होते हैं, लोकल होते हैं। लोकल में जैसे स्प्रे कर लिए नाक में, जब हमारा नाक बंद होता है तो हम लोग नेजल स्प्रे लेते हैं, ठीक है, और फिर मुंह से, माउथ से हम लोग कुछ दवाइयां लेते हैं, जिसमें पेन किलर वगैरह, नॉर्मली पैरासीटामोल, डोलो वगैरह हम लोग खाते हैं, सिर दर्द की दवा बहुत कुछ खाते हैं, ठीक है, माउथ से। फिर रेक्टल, यूरेथ्रल, ये सब भी रूट लोकल हैं, ट्रांसडर्मल, इन्हेलेशन, ये सब भी क्या है, लोकल रूट है। फिर हमारे सिस्टमिक में भी दो होते हैं, इंटेरल, पेरेंटेरल। तो इंटेरल में हमारा क्या है, माउथ है, ओरल, ठीक है, सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे रख लेते हैं, ओरल जो मुंह से खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रेक्टल, यूरेथ्रल आता है, ठीक है, रेक्टम में रख लेंगे तो रेक्टल है और वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है। दवाइयाँ जो होती हैं चिपचिपी होती हैं, वैक्सी सब्सटेंस से कवर्ड होती हैं, जो रेक्टल में रखा जाता है ताकि उस एरिया में चिपके रहे और डायरेक्टली अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में रख देते हैं, ठीक है, तो दवा वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सिस्टमिक, हमारा इंटेरल हो गया, पेरेंटेरल आता है। तो पेरेंटेरल में हमारे इन्हेलेशन है, इंट्राडर्मल है, इंजेक्शंस है, इंजेक्शन में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राथिकल, इंट्राआर्टेरियल, और फिर आपका इसमें सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, बहुत कुछ होते हैं। तो उन सब के बारे में भी डिटेल में लिख दीजिएगा, और लिख दीजिएगा इसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, हानि लाभ सब, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स में हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये 10 मार्क्स में भी हमेशा आया करता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब हमारा क्या है कि आर्टरी है और वेन है। 5th क्वेश्चन, डिस्टिंग्यूज बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। तो ये क्या है, धमनी और सीरा, इनके बारे में बताना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 5 डिफरेंस इसमें बताना है मेनली। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आर्टरी जो है वो क्या है, तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है हमारे बॉडी की, आर्टा है। और जो वेंस होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। आर्टरी जो होता है उसका जो, इसमें वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, और वेन जो होता है उसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं।
तो वाल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं वेन में, क्योंकि उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। अगर उसका फ्लोबैक हुआ तो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। लेकिन और क्या होता है कि ये जो आर्टरी होते हैं उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, तो वाल्व हो नहीं हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसमें होते हैं कि ये जो आर्टरी होते हैं उसके जो वॉल होते हैं वो ठीक होता है, क्योंकि आर्टरी में बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाता आता है, ठीक है। और वेन के जो वॉल होते हैं वो थिन होते हैं, और एक का जो ब्लड होगा वो डार्क ब्लड होगा, एक का थोड़ा लाइट कलर होगा, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, तो इसी तरह से आप फंक्शन अच्छे से लिख दीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 4 को सॉल्व करना है, और ये जो एक क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा आपको, तो ध्यान से सुनिएगा और अदर पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिएगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा इसको बता के चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट डिटेल अबाउट इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ये नेटवर्क ऑफ ग्लैंड जो कि केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, डक्ट नहीं होता है, डायरेक्टली ये अपने सब्सटेंस को ब्लड में ही रिलीज करते हैं, फिर ब्लड के थ्रू ही वो डायरेक्ट टारगेट साइट पे जाता है जहाँ उसे एक्शन करना है, ओके। इंडोक्राइन ग्लैंड बहुत तरह के होते हैं, जिसमें हमारे देखे तो अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, फिर हमारा थायराइड, पैराथायराइड, फिर होता है स्टर्नम के पीछे चेस्ट के पास होता है कौन सा, तो ये थाइमस होता है, फिर उससे नीचे एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, ठीक है, यही सब मेनली होते हैं ग्लैंड जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं। लगभग ये 9 से 10 ग्लैंड हैं, और जो एक्स्ट्रा कुछ ग्लैंड हैं जो कि हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं आते हैं लेकिन वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जिसमें हमारे किडनी हैं, हार्ट हैं, ठीक है, ये सब जो है वो सब भी हार्मोन को सिक्रेट किया करते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपोथैलेमस क्या है? तो हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन, यानी कि ब्रेन फोरब्रेन के बेस में प्रेजेंट है, ठीक है, थैलेमस के ऊपर होता है। और इसका अगर हम लोग काम देखें तो ये जो है दो हार्मोन सिक्रेट करता है मेनली, एक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है हमारा इनहिबिटरी हार्मोन, दो हार्मोन सिक्रेट करेगा। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट करवाना है, कब पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, ये रेगुलेट करता है। ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टरों का मास्टर कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड आते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक बोनी कैविटी में होते हैं जिन्हें हम लोग सेला टर्सिका कहते हैं, ओके। सेला टर्सिका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और ये जो हमारा है इसमें और भी पॉइंट है कि ये हमारे कहाँ होते हैं, तो ये भी बेसल पार्ट में होते हैं, ठीक है, फोरब्रेन के बेस में प्रेजेंट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड भी। और पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर हम लोग देखें तो ये इसके बाद दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, न्यूरोफाइसिस एक हाइपोफाइसिस कहा जाता है। तो ये जो हमारा एंटीरियर लोब है वो मेनली 6 हार्मोन सिक्रेट करते हैं, 7 करते हैं, अब 7 हो गए हैं, ठीक है। तो 7 हार्मोन में हमारे हैं एफ से हमारा देखिए फ्लैट पिग, ये आप न्यूमोनिक याद कर लीजिए, एफ से FSH, एल से हमारा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ए से ACTH यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, टी से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पी से हमारा क्या है PRL यानी प्रोलेक्टिन हार्मोन, फिर हमारा जो अब क्या बचा पिग, जी से हमारा ग्रोथ हार्मोन, एम से होता है हमारा एम एक एक्स्ट्रा इसमें है जो कि MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये कुछ हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इनका रोल है, अच्छा सा रोल है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं इनके। तो ये सब आप थोड़ा फंक्शन डिटेल में लिख लीजिएगा, अगर इतना डिटेल बताएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। अब हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में देखें तो उसमें 2 हार्मोन होते हैं, एक एंटी डायुरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, और दूसरा हमारा कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग आते हैं अपने पिनियल ग्लैंड में। तो पिनियल ग्लैंड जो होता है वो जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए थोड़ा रेस्पॉन्सिबल होता है, स्लीप एंड वेक साइकिल यानी सोना जगना इसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। और हम लोग देखें तो अब हमारा आता है थायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड ग्लैंड क्या है, बटरफ्लाई शेप का होता है, हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, यानी जो हमारा ये है ट्रैकिया है, थ्रॉट है,
तो ये जो हमारा नेक है उसके दोनों साइड में, इस साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बटरफ्लाई की तरह होता है। और ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसमें है T3, T4, ठीक है, कैल्सीटोनिन, ये सब हार्मोन्स को ये सिक्रेट करता है, जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैल्शियम के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेटाबॉलिज्म ग्रोथ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ये मेनली। अब हमारे आते हैं पैराथायरॉयड, तो पैराथायरॉयड जो है वो पैराथायरोनिन नामक हार्मोन को, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, और ये मेनली कैल्शियम के रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है थाइमस, तो थाइमस जो है वो थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, ये स्टर्नम के पीछे होता है और मेडियास्टिनम के नीचे होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका अगर देखें थाइमोसिन हार्मोन का काम, तो ये जो होता है बचपन में इसका साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे ये छोटा होते जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा आता है तो कोई भी खाना पचता नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए हम लोग बुढ़ापे में ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि ये जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा थाइमस वो धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा है वो सुप्रारिनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है हमारा सुप्रारिनल ग्लैंड है तो क्यों है, क्योंकि ये हमारे किडनी के ऊपर होता है, तो इसमें भी हमारे इसके कॉर्टेक्स मेडुला में बहुत तरह के हार्मोन है, जिसमें कॉर्टिसोल होता है और फिर एल्डोस्टेरोल होता है, ठीक है, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोल होते हैं, ठीक है, एंड्रोजिन हार्मोन होते हैं, और इसके मेडुला में भी होते हैं इपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, जिसे केटकोलामाइंस बोलते हैं। अब और भी हार्मोन हैं, पेनक्रियाज के हार्मोन है, इंसुलिन, हमारे ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेनिन, टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन, और हमारे फीमेल बॉडी में ओवरी होते हैं तो ओवरी में होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, तो ये सभी हार्मोन्स के बारे में आप लिख दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्किन एंड अपेंडेजेस, तो स्किन और अपेंडेजेस के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो स्किन क्या है, सबसे हमारा आउटर कवरिंग है बॉडी का, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लगभग हमारे टोटल बॉडी वेट का 17% वेट जो है वो स्किन ही कवर की रहती है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, और इसका अगर हम लोग फंक्शन देखें तो वो प्रोटेक्शन का है, सेंसेशन का है, एक्सक्रीशन का है, और फिर बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन का है। ये बहुत सारे अपेंडेजेज को, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड जिसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स वगैरह हैं उनको कंटेन करता है, फिर प्रोडक्शन करता है विटामिन डी का, क्योंकि रिएस्ट्रोल प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में, तो ये सब फंक्शन लिख दीजिएगा। फिर टाइप्स ऑफ स्किन में थिक और थिन होते हैं स्किन, थिक जो होते हैं हमारे हथेली में, पैर के तलवे में होते हैं, थिन जो है जो बचे हुए स्किन है वो सारे थिन हैं। अपेंडेजेज ऑफ स्किन में देखें तो इसमें हमारे जो हैं वो सीबेसियस ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, नेल वगैरह हैं, ठीक है। तो और जो भी इसके लेयर्स हैं जिसमें हमारे एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, जिसे हम लोग सबक्यूटेनियस सुपरफिशियल लेयर भी कहते हैं, तो इन सभी के बारे में आप लिख दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, आपको खुद बोरिंग लग रही होगी, ठीक है, तो बस इतना हल्का हल्का हम बता देते हैं, ओके। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, तो ब्लड क्या है, तो ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे बॉडी में लगभग ये 5 से 6 लीटर होती है, इसका पीएच जो है 7.4 होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, ये सब आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिएगा कंपोजिशन में क्या, तो ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा भी होते हैं और उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होंगे, ग्लूकोज होंगे और भी अदर सब्सटेंस होंगे, और ग्लूकोज प्रोटीन अदर सब्सटेंस होंगे किस में, प्लाज्मा में, और ब्लड सेल्स में हमारे राइथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स होंगे, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स होंगे, तो इन सब में आप जो भी है राइथ्रोसाइट के बारे में लिख दीजिएगा। और फिर जो राइथ्रोसाइट है उसके बारे में लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा कि WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स, तो उसमें भी टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, फिर आपके मोनोसाइट्स होते हैं, और ग्रेन्युलोसाइट्स ही ग्रेन्युलोसाइट्स का ही वो सब डिवीजन है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो इन सब के बारे में आप लिख दीजिएगा। इसमें एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स वगैरह होते हैं, उनके बारे में लिख दीजिएगा, प्लेटलेट्स के बारे में लिख दीजिएगा, मेनली यही इसके कंपोजिशन है, जिसके बारे में आप अच्छे से लिख दीजिए तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे।
उसके बाद ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का अच्छा सा डायग्राम बनाना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होते हैं? तो ऐसे सिस्टम जो कि एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे शरीर में और भी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं, जिसमें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के लंग्स हो गए, स्किन हो गए, ये सब एक्सक्रीशन का काम कर रही है। किडनी हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे जिसमें हमारे मेन जो हैं वो दो किडनी होते हैं, दो यूरेटर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होते हैं, यूरेथ्रा होता है, किडनी में नेफ्रॉन होता है। तो वो सब अच्छे से आप लिख दीजिएगा, क्या किस पार्ट का क्या फंक्शन है वो सब आप लिख दीजिएगा। और इसमें लिखना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, सॉरी इट्स फंक्शन। तो इसमें क्या करना है कि ब्लड का कंपोजिशन लिखना है और उन सभी जो कंपोजिशंस हैं उनका फंक्शन लिखना है। तो जो 3 और 5 क्वेश्चन है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा इस साल के एग्जामिनेशन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको लिखने में, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, आई होप आपको मदद ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।